अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गावल। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है लेकिन नीच जो है वो मैंने चेंज नहीं किया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक जो कि मैंने जो है टिकटॉक से देखा था, कॉन्टोर वगैरह की जो ट्रिक्स थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन अगर उससे पहले आप न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि सर्दियां हैं तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है लिप मॉइस्चराइज़र के तौर पे मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता है, मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा APK का प्राइमर जो कि मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर है। अच्छा जी, उसको अच्छे तरीके से चेहरे पे लगा लिया। यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ, ये बातें भी मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, वो ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसके बाद जो है मैंने फाउंडेशन लगा दी। आज की वीडियो की जो मेन चीज़ थी वो थी कॉन्टोरिंग, तो इस वजह से मैंने दूसरी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं की हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने अपनी आँखों पर भी फाउंडेशन लगा कर उसको जो है वो कवर कर लिया है, और जो है इसको अच्छे से मैं पहले जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। या ये मैं फाउंडेशन वैसे यूज़ कर रही हूँ ग्लेम गर्ल बाय मैविश की। उसके बाद जी ये फ़िल्टर आता है टिकटॉक का, इसके थ्रू जो है मैं अपने चेहरे पे कॉन्टोर देखूँगी कि कौन सा कॉन्टोर मेरे चेहरे पे बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पर रेक्टेंगल होता है, हार्ट शेप होता है, ओवल में होता है, गोल भी होता है, सारे जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। जो भी कॉन्टोर आपके चेहरे पे अगर आपको नहीं आती तो ये आपको परफेक्टली बता देगा कि आपको किस तरह की कॉन्टोरिंग करनी चाहिए, आपका चेहरे पे कौन सी कॉन्टोरिंग अच्छी लगती है, या आपको ख़ुद से पता चल जाएगा कि कौन सी कॉन्टोरिंग आपको करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर ये ओवल चेहरे वाली जो है वो कॉन्टोरिंग दी है, क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा सा गोल है, तो फिर मैंने कॉन्टोरिंग की जो थी ग्लैम गर्ल बाय मैविश का जो कॉन्टोरिंग स्टिक था, यानी कि सॉरी बेस है, ये पूरा का पूरा किट है एक मेकअप, उससे जो है मैंने कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर दी है। क्योंकि मुझे लड़कियों ने मैसेज किए थे कि आप कॉन्टोरिंग क्यों नहीं करती, अगर आप करेंगी तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है, सीधा साधा मेकअप करती हूँ, मेकअप स्किल्स मेरे इतने कोई ख़ास नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि किस तरह से कॉन्टोर होता है। फिर मैंने जी ये स्टार्ट किया, और जिस तरह से ये फ़िल्टर मुझे बता रहा था बिल्कुल वैसे ही मैंने जो है वो कॉन्टोरिंग की। और जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, जिन लोगों को कॉन्टोरिंग करना नहीं आती या उनको नहीं पता कि उनके चेहरे पे किस तरह की कॉन्टोरिंग अच्छी लगती है या किस तरह से कॉन्टोरिंग करनी चाहिए या कॉन्टोर होता क्या है। तो इस फ़िल्टर के थ्रू आप जो है टिकटॉक से आराम से ये फ़िल्टर लगा लो, और उसके बाद जो है जो भी कॉन्टोरिंग स्टिकर हो या ब्रश की मदद से कॉन्टोर जो है वो अपने चेहरे पर आप कर लो, और उसके बाद जो है उसको आपने ब्लेंड कर लेना है, और आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से जो है वो हो जाएगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्लर वगैरह जाने की कि यार वहाँ पर जाऊँ, वहाँ पे कॉन्टोर वगैरह होगा, मेरे जो चेहरे के खदुखाल हैं वो इन्हेंस होंगे। उसके बाद मैंने इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद फिर से मैंने इसको जो है वो शेड वगैरह लगा कर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आई मेकअप जो था वो मैंने जल्दी जल्दी में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये हेक था, उसके हिसाब से मेकअप लुक क्रिएट करना था, तो मैं सिर्फ देख रही थी कि किस तरह से होता है। अच्छा, मैंने ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में कर दी है। मैंने मस्कारा, आईलाइनर, आई मेकअप जो भी था वो सिंपल से कर लिया। लैशेस वगैरह जो है मैंने लगा ली, क्योंकि लैशेस वगैरह के बिना कोई लुक जो है ना वो सामने आता नहीं है, बहुत ही धीरे से ये काम हो जाता है अगर। और उसके बाद जो है मैंने ब्रश की मदद से जो शेड ऊपर लगाया था उसी शेड को जो है वो नीचे लगा दिया, और बहुत ही आराम आराम से जो है मैंने लगाया, क्योंकि मैंने लेंस पहने हुए थे। उसके बाद जी मैंने लिपस्टिक लगा ली, और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। मुझे बहुत अपना चेहरा जो है ना वो डिफरेंट लगा। घर में भी सब मुझे यही कह रहे थे कि यार आपका चेहरा जो है ना वो डिफरेंट हो गया है, थोड़ा सा जो है पतला भी लग रहा था। तो आप ज़रूर इस कॉन्टोरिंग हैक को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं लाती रहूँगी इसी तरह के हैक्स, इसी तरह की वीडियोज़ और बजट फ्रेंडली वीडियोज़। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर 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 से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।